हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज है हमारा बंगाल का न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर जिसको पोयला बैशाख भी बोला जाता है। सो आज पहले पोयला बैशाख के दिन मतलब न्यू ईयर के दिन मैं पहले जाने वाला हूँ अपना कंप्यूटर ठीक करवाने। फुल डेड हो गया अपना सीपीयू, अभी ऑन ही नहीं हो रहा है। बहुत दिन से पड़ा हुआ है ऐसे, बहुत दिन मतलब क्या, शायद लास्ट 3-4 दिन से पड़ा हुआ है। सो अभी जाएंगे, थोड़ी देर में निकलना है, मैं और पापा जाऊंगा निकल के, फिर पहले इसको ठीक करवा के आऊंगा, फिर शायद आज प्लैनेटेरियम जाने का प्लान है अपना। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत बड़ा वाला पुफट हो गया पूरा, तो उस टाइम तैयार हो गया था, सब रेडी कर दिया था, सीपीयू वगैरह पूरा बॉक्स में डाल के तैयार कर लिया था। मैं भी कपड़े वपड़े पहन के नहा के रेडी हो गया था। उसके बाद जब मैंने वहाँ सर्विस सेंटर में कॉल किया तो पता चला कि आज वो बंगाली न्यू ईयर के लिए आज बंद, सारा सर्विस सेंटर ही बंद था, तो हो नहीं पाया। इसलिए उसके बाद तो फिर कुछ कर नहीं पाया, तो था घर में। अभी बजे है यही कुछ 5 बजे है अभी, तो अभी जा रहे हैं प्लैनेटेरियम। 6:30 बजे का शो है, इंग्लिश में है। सो चलिए चलते हैं। सो अभी निकल चुके हैं, अभी चलते हैं प्लैनेटेरियम की तरफ। अभी यहाँ से बस स्टैंड से बस पकड़ूंगा, मैं और पापा जा रहे हैं, तो मम्मी घर ही पे है, तो चलते हैं वहाँ, चल के मिलते हैं। सो गाइस अभी पहुंच गए हम लोग प्लैनेटेरियम, बिरला प्लैनेटेरियम। अभी रेनोवेट हुआ है ये, वैसे बहुत कुछ टाइम से बंद था, शायद लगभग दो साल तक शायद बंद था, रेनोवेशन हो रहा था, पहले आया था। अरे वाह, ये ज़रा देख लीजिए, कुछ समझे, पबजी था उस लड़के के टी शर्ट पे लिखा हुआ, पता नहीं उसको पता चला कि नहीं। तो अभी पीछे ही प्लैनेटेरियम है, बहुत अच्छा बनाया है, तो मैं कैमरा टर्न करता हूँ, आप लोग देखिए। तो ये है प्लैनेटेरियम, अभी अंदर जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है, 6:30 बजे शो है, तो अभी टाइम है, तो अभी देखते हैं यहीं कहीं बैठते हैं। तो गाइस अभी तब एंट्री चालू हो गया है, लंबा लाइन था लेकिन अच्छे रेट पे मूव कर रहा है लाइन, तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी हो गया। अभी एकदम बाहर था, अभी एकदम नज़दीक आ गया। सो अभी चलते हैं अंदर, पता नहीं अंदर फ़ोटो लेने देगा कि नहीं, तो देखते हैं। अभी बहुत टाइम बाद आया हूँ, सालों बाद आया है जी, देखते हैं अंदर क्या है नहीं है, रेनोवेशन के बाद क्या बदला है। एंड सो मिलते हैं अभी बाद में, शो ख़त्म होने के बाद, और अगर अंदर शूटिंग अलाउड है हुआ तो पक्का दिखाऊंगा अंदर से आप लोगों को। सो अभी हम लोग आके अंदर बैठ गए, पता नहीं कैसा आ रहा है शॉट, फेस से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर लाइट थोड़ा कम है। एक सेकेंड, थोड़ा लाइट का बंदोबस्त करते हैं। हाँ अब शायद आ रहा होगा। सो अभी अंदर बैठ चुके हम लोग, तो यहाँ पे पहले से तो अच्छा ही किया है, ऊपर का एरिया पूरा स्क्रीन है, वो सामने प्रोजेक्टर है, वो बड़ा सा शो के टाइम पे मैं छोटा सा वीडियो बना लूँगा ये। एंड सो यहाँ पे अभी टाइम है कितना, 6:30 बजने में 5 मिनट बचा हुआ है,
तो 5 मिनट बाद अभी शो स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए वेट करते हैं। एंड अभी सो अभी ये शो स्टार्ट हुआ, 1 2 3। सो अभी ख़त्म हुआ शो, अभी हुआ तो बहुत देर पहले ही था, लगभग 7:30 बजे ख़त्म हो गया था। अभी बैठ के मैंने और पापा ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, काफ़ी एकदम गजब वाला, एकदम गदर फोटो लिया है हमने लोगों ने, एकदम ये प्लानिटेरियम को साथ में लेकर दूर पे रख के रिमोट से, मतलब अपने फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोटो लिया। सो अभी चलते हैं घर, देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा भूख लग रहा है तो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं यहाँ पे। ज़्यादा तो बाहर का जंक फूड खाना अच्छा नहीं है, अभी थोड़ा डाइटिंग चल रहा है, सो देखते हैं क्या अच्छा मिलता है खाने के लिए। सो अभी मिलते हैं घर पर। सो फाइनली वी आर बैक टू होम, अभी लौटा हूँ, पसीने में पूरा लिपटा हुआ हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था, अराउंड 33-35 के अराउंड टेम्परेचर था। एंड प्लानिटेरियम टूर तो आज का ख़त्म हो गया, फिर अगर बाद में कभी कहीं निकलूँ बाहर तब एक वीडियो बनाऊँगा, फिर से नया ब्लॉग बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी माई लवली फ्रेंड्स।